बोचहा सीट की जीत बताती है कि जनता में डबल सरकार के खिलाफ आक्रोश। जयप्रकाश नारायण यादव, मुंगेर से रंजन की रिपोर्ट। जिला बोचहा सीट की जीत बताती है कि जनता में डबल सरकार के खिलाफ आक्रोश। जयप्रकाश नारायण यादव, मुंगेर से रंजन की रिपोर्ट। जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बोचहा सीट की हमारी जीत यह साबित करती है कि जनता में डबल इंजन की सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आज जनता के ऊपर अनावश्यक रूप से महंगाई थोपी जा रही है, अपराध चरम पर है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। बोचहा का जनादेश परिवर्तन की मांग करता है। इससे पहले वे शहीद विशाल के परिजनों से भी मिले और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि शहीद विशाल के परिजनों की एक मांग है कि लोहची प्राथमिक विद्यालय का नाम शहीद विशाल के नाम पर किया जाए। जयप्रकाश नारायण ने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बताया कि वे दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान दुमट्ठा घाट पर जो 3 युवाओं की मृत्यु डूबने से हो गई, उनके भी परिजनों से मिले। उन्होंने बताया कि तीनों युवक साधारण परिवार से थे। तीनों युवकों के शोकाकुल परिजनों से मिलने भिंदवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने मृतक बबलू सिंह के 27 वर्षीय पुत्र राज, प्रदीप सिंह के 23 वर्षीय पुत्र बिट्टू सिंह, श्याम सिंह के 24 वर्षीय पुत्र मोनू सिंह की हुई मौत को अत्यंत दुखद बताया और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बताते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। पूर्व मंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि दिए गए रूट पर अगर प्रशासनिक व्यवस्था चौक चौबंद रहती तो तीनों होनहार युवकों को बचाया जा सकता था। तीनों युवकों की मौत का कारण प्रशासनिक लापरवाही है। आश्रित परिवार को मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ परिवार में नौकरी करने लायक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। इसके लिए पीड़ित परिवारों को आश्रितों को उचित मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर शीघ्र ही मुंगेर DM नवीन कुमार से मिलेंगे। अहंकार के खिलाफ जनता की गोलबंदी हुई है और जनता ने मत देने का काम किया है और सत्ता के खिलाफ, डबल इंजन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के प्रति समाज के सभी वर्गों का एक रुझान है, भरोसा है, विश्वास है और परिवर्तन की जो एक ललक और लहर है बिहार में, उसका नतीजा है विधान परिषद में भी इन लोग की जो है करारी हार हुई है। और बोचहा का चुनाव तो यह बता दिया है कि डबल इंजन का जो है हर खेल जो है जनता समझ गई है। अब ये जंग लगा हुआ है, डबल इंजन चलने वाला नहीं।